कर रही हो आप? स्विंग पे बैठनी हो? झूले दे दो तो ये ले। क्लाउड कैसे बोल रहे हैं आप बताओ ना, कैसे बोल रहे हैं बताओ? कैसे बोल रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, मैं स्विंग तो नहीं दे सकती आपको यहाँ खड़ी होकर, फिर बड़ी मम्मा को बुला लो। हाँ बुलाओ बुलाओ, बोलो बड़ी मम्मा, बोलो शुक्का आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी हों खुश हों, सुखी हों और आबाद हों। मैं नहाने गई थी तो फुल सूरज निकला हुआ था, वापस आई हूँ तो बादल गड़गड़ा रहे हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रिमझिम बारिश हो रही है। फातिमा जहरा को लगी है भूख, तो फातिमा जहरा के लिए मैं अब बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो चलिए बस फिर जल्दी से मैं नाश्ता बनाऊँ, इससे पहले कि फातिमा कहे मम्मी खाना मम्मी खाना। बारिश तेज़ भी हो गई है और बारिश का एरिया भी बढ़ गया है। तेज़ बारिश, अपने रूम में कैसे जाऊँ, मेरे रूम का फासला लंबा है। फातिमा जहरा का नाश्ता बन गया, चाय एंड पराठा। शुगुफ्ता आप अगर रूम में जाती हो। किसने लेके दिए आपको? कौन लेके दिया था आपको डक्स लेके देने? अरे व्लॉगर ऐसे ही होते हैं। फातिमा जहरा चली। हाँ जी शुक्र है आप व्लॉगर नहीं, और बस मैं व्लॉगर बन गई बदकिस्मती से। फातिमा जहरा की फूफो आई थी रोज़े की अफ्तारी से थोड़ी देर पहले और वो फातिमा जहरा को अपने साथ ले गई। अभी इस टाइम फातिमा जहरा घर में नहीं, और ऐसी उदासी सी महसूस हो रही है। आज फिर जाना है मिशन फ्रॉक पे फातिमा जहरा की फ़्रॉक लेने के लिए। तो आमिर आ चुके हैं घर, अफ्तारी भी कर ली है और थोड़ा सा मैंने नींद भी कर ली, मेरी आंखों से लग रहा होगा, फेस से भी लग रहा होगा। तो बस फिर जल्दी से चलते हैं। आमिर साहब आप भी ना कोई जैकेट शैकेट पहन लें, बाहर बहुत सर्दी, मैंने भी बंद शूज़ पहन ली। हानिया ने मुझे नेल पॉलिश लगाई, कहती आंटी चेक करना है कलर कैसा है। फिर जब मैंने लगाई है तो कहती प्यारा लग रहा है, मुझे तो भी अच्छा लग रहा है, सड़ा सड़ा सा कलर है। बंद शूज़ तो मैंने पहन ली, मेरा दिल कर रहा है मैं कैप भी पहन लूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड होनी है। आई 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 चले 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 चले। चलती हुई बाइक मैंने आमिर से रुकवाई है, मैं ककड़ियों की शदीद दीवानी हूँ, दो साल से तरसी हुई, दो साल से नहीं आ रही थी, इस साल नज़र आई। जल्दी से मैंने कहा रोको, जो भी ले लो फ्रॉकें बाद में ले लेंगे, पहले मुझे ये लेके दो। नरम नरम छोटी छोटी चुन्नी है ग्रीन ग्रीन। आमिर एक प्लीज़ धुलवा ले, मुझसे घर तक सबर नहीं होगा, एक खा लेती हूँ मैं, प्लीज़ धुलवा ले। ये हाँ वो पानी का पड़ा हुआ है मेरे लिए, ये ईद के चांद के बराबर है। सुभान अल्लाह, सॉक्स और जूते पहनने से पाँव तो ढक गए हैं लेकिन सर पे बहुत ठंड लग रही है। बारिशों का पानी, मेरे जूते गंदे हो गए। आमिर साहब गए हैं पेट्रोल डलवाने। प्यारे प्यारे फूलों की दुकान। अब तो मैं ठंड से कांपना शुरू हो गई हूँ, मेरे घुटने में भी दर्द शुरू हो गया ठंडी हवा लग लग। बाइक पार्किंग में लगा रहे हैं आमिर साहब, हमने जाना है इस स्टोर में प्रिंट्स में। अच्छा लग रहा मुझे, प्यारी प्यारी फ्रॉक्स। ये छोटा लग रहा है, रेड पता नहीं मुझे थोड़ा सा। अच्छा ये इतना प्यारा नहीं लग रहा, वो असल में ईद की बनाती, मैं किसी का नहीं बनाती होती। ये ना काफी महंगा है, बड़ा प्यारा। हाँ वैसे है तो शादी के हिसाब से ही। आमिर को ये पसंद आ रही है फ्रॉक, मुझे नहीं अच्छी लग रही, और मुझे ये पसंद आ रही है। आमिर साहब दुकानदार बन गए। हाँ ये भी प्यारा है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये तो बहुत ही क्यूट है लहंगा चोली, पर ये बहुत महंगा है। अरे प्यारे कपड़े हैं यहाँ पर। सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा है। अभी मुझे मेरी यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिल गई, आप यकीन करें मुझे इतनी शर्म आई ना उससे मिल के, पता नहीं शर्म क्यों आई, मैं ये सोच रही हूँ। अब है जी पोनियों की बारी,
रेड पोनियाँ मिल रही हैं, साथ में सिल्वर मिल रहा है। मैं चाह रही हूँ मिल जाए गोल्डन। नहीं, इस पे कार्टून से बने हुए कैरेक्टर्स। ह्यूज वैरायटी है, लेकिन मेरी बेटी सिल्वर नहीं है, गोल्डन ही है। गोल्डन है मैं इतनी प्यारी है, लेकिन ये मैरून है और कलर भी हैं। अब है चूड़ियों की बारी, और इसमें मैंने लेनी है रेड गोल्डन। ये ठीक है हमें कोई और कलर, एक रेड और भी है। नहीं, ये पिंकिश पिंकिश सा है। हाँ, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है ना। ये नहीं ले रहे हम, ले रहे हैं ये सही प्योर रेड कलर है। चले, ड्रेस पोनी और चूड़ियाँ ले ली। अब मैं आमिर से कह रही हूँ शूज़ भी लेते जाएँ, फिर आगे टाइम भी नहीं मिलेगा। मैंने ना फातिमा के लिए घर के शूज़ भी लेने, और मुझे यहाँ प्यारे प्यारे शूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ देख लेती हूँ ज़रा, ये देखे, लेकिन ये थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे। ये साइज़ तो ठीक है, ये फातिमा का साइज लग रहा है। इसमें ग्रीन कलर भी है। चलो, घर का शूज़ फिर कभी ले लेंगे, क्योंकि अभी मुझे साइज़ का सही आइडिया नहीं हो रहा। दूसरा शूज़ देखते हैं साइज़ का, तो उसका भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन हो सकता आइडिया हो भी जाए। मेट्रो ये है जी, वो दुकान चलते हैं। यहाँ पर एक तो शूज़ नहीं है, सारे वही पिछले साल वाले पुराने शूज़ पड़े हुए हैं, और फिर रेड कलर में भी नहीं, गोल्डन में भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। कहीं और चलें। प्यारे प्यारे परांदे, गोल्डन में तो नहीं है। ये स्किन आ रही है, ये पिंक है, रेड में कोई है ही नहीं। फातिमा का जिस तरह का सूट है, आमिर कह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ लो, ऐसा कोई शूज़ लो। भाई वो गोल्डन खुशा दिखाएं। हाँ जी, प्यारा लगेगा ये। चले जी, फातिमा ज़ारा की शॉपिंग तो हो गई डन। फातिमा ज़ारा की ईदी आई थी, उनकी नानों ने भेजी थी, अभी मेरी ईदी नहीं आई, इसलिए मैंने अभी तक एक दिन का भी नहीं खरीदा। आमिर साहब ने लेने अपनी शॉप के लिए सामान, तो वो सामान लेने के लिए रुके हैं। ठंडी हवा लग लग के सर में दर्द हो गया। घर के करीब से हम गुजर आए, अब हम लेने जा रहे हैं फातिमा जहरा को। अभी हम जाएंगे बहुत दूर, ये वाली गली है। आमिर साहब को घर ही भूल गया था, अब समझ आया। ओपन द डोर, मेरी बेटी कहाँ है? ये भी मेरी सब्सक्राइबर का घर है, मैं दीवार के पास छुप के खड़ी होकर, मुझे अंदर बुला लेंगे, मेरे सर में दर्द है, मैंने घर जाना है। आना नहीं है, बस जाना है। बुला लिया अंदर। ऊपर आ जाओ, ऊपर फातिमा की आवाज आ रही है। बात भेज रहा फातिमा पापा को मिलके चली गई। मम्मी की याद नहीं आई थी। अच्छा, फातिमा को अभी भी, इसको अभी भी याद नहीं आ रही। फातिमा इधर तो आओ, फातिमा। मेरे से पूछे इसने घर जाना या नहीं। हानिया के पास जाने, बड़ी मम्मा के पास जाने, उसने किसी के पास नहीं जाना, वो यहीं खुश है। घर जाने, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मैं इसको गायब नहीं होने दूंगी। रूम मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत प्यारा। लाइट मुझे नहीं लगा लिया। इधर से उतर के आए हम इतनी सीढ़ियों से। पुप्पो को बाय बाय करो। बाय बाय। चले आमिर, चले। ओवर हो गई, ओवर। फातिमा जहरा की ईद की शॉपिंग। फातिमा जहरा, आप तो मम्मी को लिफ्ट ही नहीं करा रही हैं। हाँ जी, आ गई मैं। ये हाँ, ये देखे फातिमा जहरा की शॉपिंग। माशाल्लाह, ये तो मेरे कपड़े हैं, मेरी ड्रेस है। फातिमा, ये मेरा ड्रेस है।
फातिमा को परवाह ही नहीं है, वो मोबाइल में घुसी हुई है। ले लो बस वही ना, उसको परवाह ही नहीं है। ये साथ में बैंगल्स भी हैं, साड़ी मैचिंग मैचिंग। ये है जी फातिमा ज़ारा की शॉपिंग, ये है पोनी दुपट्टा सूट और साथ में चूड़ियाँ और एक चीज़ रह गई जे साथ में खुस्सा। लेकिन एक 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 प्रॉब्लम हो गई, खुस्सा जो है ना ये ज़रा बड़ा है, ये चेंज कराना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। लग रहा है बड़ा लग रहा है ना, 8 नंबर 7 नंबर आएगा इसको, 5 नंबर आएगा, ये नीचे 6 नंबर, हाँ 6 नंबर आएगा। सर में हो रहा है शदीद दर्द, ब्लॉग को करती हूँ एंड, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखे, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।